अरविंद केजरीवाल से सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कि तुगलक रोड बदल दो, अकबर रोड का नाम बदल दो, औरंगजेब रोड का तो बदला गया, शाहजहां रोड का भी नाम बदल दो। नाम बदले जाने चाहिए, बदलेंगे आप? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी पे राज कर रही है, तो और जो ये सारे एरियाज हैं उसमें जो कूड़े की बुरी हालत है, आप देखिए, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी को किसी बात पे ध्यान देना चाहिए तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि एमसीडी के चुनाव तो उन्होंने स्थगित कर दिए और कूड़ा कंपनी जो है उसका इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, तो पूरे दिल्ली में महामारी की कगार पे हम बैठे हैं क्योंकि कूड़ा कंपनियां कूड़ा उठाना बंद कर रही हैं। तो उस सब पे फोकस तो नहीं करेंगे आदेश गुप्ता जी, लेकिन उनका फोकस ये रहेगा कि किसी तरह आप कोई ऐसा मुद्दा ले आए जिससे दिल्ली की जनता को आप फिर से बरगला सकें। नाम बदलने से वहां की कूड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहां की जो टूटी सड़कें हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहां की जो नालियां जो सब एमसीडी के अंतर्गत आती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कूड़े के ढेर इन्होंने पहाड़ बना रखे हैं भलसवा और गाजीपुर जो जल रहे हैं पिछले 15 दिन से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बहुत हुई डॉलर पे वार, अब की बार मोदी सरकार, क्या उपलब्धि है इनकी आज की तारीख में? अभी आपने खुद बताया कि डॉलर लोएस्ट है। मैं कुछ और उपलब्धियां गिनाना चाहूंगी संदीप जी। नहीं नहीं, उपलब्धियों की बात नहीं है, नाम बदले, मैं आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। ये नाम बदले जाने चाहिए कि नहीं, या ये कोरी राजनीति है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है? कोरी राजनीति है संदीप जी। पिछले 7 साल से पूरी कोशिश यही रही है कि देश का ध्यान कैसे आलतू फालतू का इस तरह के मुद्दों में भटकाया जाए। अभी आपने उत्तर प्रदेश के गिनाए, उत्तर प्रदेश के इतने नाम बदल गए, उससे क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में क्या चेंज आ गया? उत्तर प्रदेश में आज भी अस्पतालों की हालत बुरी है, आज भी स्कूलों की हालत बुरी है, आज की तारीख में 10 घंटे की बिजली कट हो रही है, आज की तारीख में वहां पे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। वो सब कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। आपने 7 साल में क्या करके दिखाया? कुछ नहीं करके दिखाया। आप देख लीजिए इस देश का जो देश की जो स्थिति है उसको, उसके लोग वहां पे कितने खुशहाल हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, इन सब पे जितनी भी रिपोर्ट आई है संदीप जी, चाहे आपका वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, भुखमरी इंडेक्स हो, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, कितने इंडेक्स में आपको गिना दूं, हर इंडेक्स की ये हालत है कि आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान से हम नीचे जा चुके हैं। तो ये रोज रोज पाकिस्तान, तो ये नाम बदलने से असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और नाम जो ये बदलने की, फिर तो मुंबई को शंघाई हो जाना चाहिए था। ये 2004 में ललकार दी थी मनमोहन सिंह ने कि मुंबई को शंघाई बनाएंगे, मुंबई शंघाई तो नहीं बना, ना कोलकाता ना चेन्नई।